हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्किल आई एम ज्योति सिक्का एंड टुडे वी विल डिस्कस स्किल्स फॉर सेल एसोसिएट्स बिक्री सहयोगी के लिए कौशल मींस जो सेल एसोसिएट होते हैं उनके लिए क्या-क्या स्किल चाहिए होती हैं सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एजेंडा मींस व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक इन दिस वीडियो व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर नंबर वन इज सेल एसोसिएट मीन सेल एसोसिएट क्या होते हैं देन वी विल डिस्कस स्किल फॉर सेल एसोसिएट मीन सेल एसोसिएट के लिए क्या क्या स्किल होनी चाहिए स्किल्स फॉर सेल एसोसिएट पहले मैं आपको बताती हूँ सेल एसोसिएट्स क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं तो सेल एसोसिएट्स हैव ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेल एसोसिएट कोई भी एक ऐसा बंदा जो सेल कर रहा है अपने रिटेल शॉप पर सेल कर रहा है सेल uh, एसोसिएट वो एम्प्लॉ भी हो सकता है और ओनर भी हो सकता है तो एवरी पर्सन हु इज़ हु हैज़ डायरेक्ट कनेक्ट विद कस्टमर एंड सेलिंग ए प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड सेल एसोसिएट एंड उसकी जो काम है उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं फ्लेक्सिबल उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक रिटेल स्टोर के अंदर आप उसकी उसके काम को चेंज भी कर सकते हो मीन्स कभी उसको कैश पर भी बैठना पड़ सकता है कभी बिलिंग पर भी कभी कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा कभी उसको स्टॉक भी हैंडल करना पड़ेगा तो बहुत सारे काम होते हैं जो उन्हें करने होते हैं तो सबसे फर्स्ट जो सेल एसोसिएट के कुछ काम मैंने लिखे हैं यहाँ पर फर्स्ट काम जो है उसको एक्टिंग एज अ कैशियर देखो वो सेल एसोसिएट तो है ही उसको कस्टमर्स के साथ सेल तो करना ही है साथ-साथ तो उसको एक्टिंग एज अ कैशियर मतलब कैशियर की तरह भी काम करना है देन ही विल डिस्कस कस्टमर सर्विसेज ही विल डू कस्टमर सर्विसेज मींस वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको सेल करेगा एंड आफ्टर सेल सर्विसेज भी उसको देनी होती हैं रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव यहां पर मतलब ये होता है कि वो जिस कंपनी में अगर वो एज अ सेल एसोसिएट जॉब कर रहा है तो वो उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है मतलब वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी कस्टमर जो है किसी भी कंपनी या ब्रांड का जो इमेज होता है ब्रांड के बारे में जो उनकी गुडविल होती है वो सेल एसोसिएट से ही बनती है अगर वहां के सेल एसोसिएट होते हैं तो कंपनी के ब्रांड जो है वो अच्छे बनती हैं स्टॉक कई बार उसको स्टॉक भी संभालना पड़ता है स्टॉक को हैंडल करना स्टॉक को काउंट करना स्टॉक की पूरी एंट्रीज करना इवेल्युएट करना चेकिंग करना ये सब काम भी एक सेल एसोसिएट को करने होते हैं इतने सारे कामों को जब एक सेल एसोसिएट करेगा और फ्लेक्सिबली करेगा मतलब कभी वो कैश पे बैठ रहा है कभी वो सेल कर रहा है कभी वो कस्टमर को अटेंड कर रहा है कभी वो कस्टमर की कंप्लेन सुन रहा है कभी वो प्रोडक्ट्स को असेंबल कर रहा है कभी वो स्टॉक और शेल्फ को देख रहा है तो इतने सारे कामों को करने के लिए उसके अंदर कुछ स्पेशल गुण होने चाहिए क्या क्या नंबर वन पेशेंस उसके अंदर पेशेंस होने चाहिए क्योंकि बहुत सारा मल्टी बंदा है जो सेल एसोसिएट है तो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए अटेंटिवनेस, उसको अटेंटिव होना चाहिए हर वक्त कस्टमर क्या पूछ रहा है आप नहीं सोच सकते कि कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है कस्टमर क्या पूछने वाला है नेक्स्ट तो उसको हर चीज के लिए हर काम के लिए अटेंटिव होना पड़ेगा हर वक्त अटेंटिव होना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि उसके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए मतलब बातचीत करने का कम्युनिकेशन स्किल को हिंदी में बातचीत करने की कला भी बोलते हैं संचार कला भी बोलते हैं इसको तो उसके अंदर बातचीत करने की कला होनी चाहिए ये नहीं है कि कोई रूड uh, कस्टमर आ गया है तो वो डर जाए और अच्छे से अपनी बात को ना कह पाए कोई पोलाइट कस्टमर आ गया तब तो ठीक है वो पोलाइटली पूछेगा आप उसको पोलाइटली जवाब दे दोगे लेकिन कस्टमर भी तो कितने टाइप के होते हैं uh, कुछ रूड कस्टमर हैं कुछ घर से ही नाराज कस्टमर आते हैं कुछ कस्टमर्स कंप्लेनिंग कस्टमर होते हैं तो सबको टैकल करने का तरीका उसको आना चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज उसके अंदर प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए गोल ओरिएंटेड होना चाहिए हर वक्त उसके माइंड में ये चलना चाहिए कि मुझे अपने जो सेल टारगेट हैं उसको पूरा करना है रेजिलेंस रेजिलेंस का मतलब होता है लचीलापन लचीलापन इन द सेंस कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसको जो भी काम रिटेल स्टोर के अंदर टॉप से लेकर डाउन तक का जो भी काम उसको दिया जाए उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो संभाल सके तो so, एक बार हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं पेशेंस पेशेंस जैसे मैंने अभी बताया नॉट ऑल कस्टमर्स आर एक्सेप्शनली काइंड सभी के सभी कस्टमर्स काइंड नहीं होते हैं पोलाइट नहीं होते हैं जो आपसे प्यार से बात करेंगे लेकिन एक गुड रिटेल एसोसिएट हैव पेशेंस टू डिफ्यूज टफ सिचुएशंस विद डिफिकल्ट कस्टमर्स मतलब वो इस तरह से सामने वाले कस्टमर के साथ डील करे कि उसका जो गुस्सा है वो सारा डिफ्यूज हो जाए सारा गायब हो जाए उसको ऐसे लगे कि मेरी बात को समझा जा रहा है सुना जा रहा है मेरी प्रॉब्लम को हैंडल किया जाएगा तो ये पेशेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली रिटेल स्टोर में जब एक सेल एसोसिएट के पोस्ट पर कोई अपॉइंट होता है मतलब तो ये नहीं है कि कस्टमर आकर गुस्से से बोल रहा है तो आप भी बराबर उसके साथ गुस्से से बात करोगे कि नहीं तुम तो गलत बोल रहे हो चाहे वो गलत भी बोल रहा है तो भी एक सेल एसोसिएट का काम है उसको ध्यान से सुनना उसकी पूरी बात को सुनना फिर अपनी बात को कहना और तरीके से कहना कि उसको बुरा भी ना लगे अटेंटिवनेस अटेंटिवनेस मतलब उसको हर वक्त अटेंटिव होना पड़ेगा क्या चल रहा है मार्केट में क्या उसका गोल है क्या उसका नए-नए प्रोडक्ट्स नए आ रहे हैं उससे उसके उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में क्या क्या सीजन आने वाले हैं क्या फेस्टिवल्स आने वाले हैं किस तरह से कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो रही है हर वक्त उसको अटेंटिव होना पड़ेगा कितने कस्टमर्स आ रहे हैं कब कब कौन कौन से कस्टमर्स ज्यादा आते हैं उसके पास उसके अकॉर्डिंग उसको अपना जो रिटेल uh, स्टोर uh, है उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार करना पड़ेगा उसको टाइम टाइम टू उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे तो ये सब कुछ एक रिटेल सेल एसोसिएट को करना होगा तो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं सेल एसोसिएट मस्ट फोकस हिज और हर अटेंशन टू एंश्योर उसको हर वक्त फोकस करना पड़ेगा ये ध्यान देना पड़ेगा क्या नंबर वन ट्रांजेक्शंस आर प्रोसेस्ड एक्यूरेटली सारी जो ट्रांजेक्शन है वो भी बिल्कुल ठीक एक्यूरेटली पोस्ट की गई है मतलब कितना स्टॉक आया इसकी एंट्री कितना स्टॉक गया इसकी एंट्री क्या सेल हुआ इसकी एंट्री एंड पूरा वो लिखा हुआ है या नहीं बिल दिया गया है सभी को या नहीं और सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर को देते वक्त बिल बनाते वक्त कुछ छूट तो नहीं गया है डिस्काउंट प्रॉपर दिए गए हैं कि नहीं कुछ प्राइस गलत तो नहीं दिया गया है तो इस सब ट्रांजेक्शन देखनी चाहिए The sale floor looks its best. उसको हर वक्त ये भी देखना पड़ेगा कि जो उसका फ्लोर है जो रिटेल का जो फ्लोर है जो सेल का जो एरिया है वो बेस्ट लगना चाहिए वहां पर मैनिक्विन सजे होने चाहिए प्रॉपर uh, लाइटिंग होना चाहिए कलर का ध्यान रखना चाहिए कंट्रास्ट का ध्यान रखना चाहिए म्यूज़िक uh, अगर जरूरी है तो म्यूज़िक का ध्यान रखना हो uh, होगा उसको शेल्फ देखने चाहिए प्रॉपर शेल्फ सही प्लेस में रखे गए हैं कि नहीं आईज आईज लेवल पर प्रोडक्ट को रखा गया है या फ्लोर नीचे प्रोडक्ट बिखरे हुए तो नहीं है बहुत ज़्यादा ऊंचे तो नहीं है कि वो कस्टमर के हाथ ही ना जाएं तो ये सब चीज़ें उसे ध्यान में रखनी होंगी अपनी सारी इंफॉर्मेशन को क्लियरली एक्सप्लेन करना आना चाहिए ये नहीं है कि वो अटक जाए बीच बीच में से अभी जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आना चाहिए कि मुझे आगे क्या पढ़ाना है तो ऐसे ही एक रिटेल सेल एसोसिएट को जो इन्फॉर्मेशन उसको कस्टमर को देनी है वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहले होनी चाहिए उसे पता होनी चाहिए ये ना हो कि कस्टमर कुछ पूछे और उसको पता ही ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए मेंटेन प्लीजेंट प्लीजेंट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ उदास उदास दिखे वहां रिटेल स्टोर के अंदर मतलब लाइक कस्टमर गया उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है उसको कोई एंटरटेन ही नहीं कर पा रहा है कोई कस्टमर की तरफ फोकस ही नहीं कर रहा ध्यान ही नहीं दे रहा है तो एक खुश मिजाज एटमोस्फियर होना चाहिए जैसे कि हल्का हल्का म्यूजिक चला, प्रॉपर चाहिए, अच्छी लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर को एंटर करते ही खुशी महसूस हो अप्रोचेबल बिहेवियर अप्रोचेबल बिहेवियर का ये मतलब है कि ये नहीं कि आप अपने चेयर पे बैठे हो और एक कस्टमर सामने से आया है और आप इतने एरोगेंट तरीके से बैठे हो कि कस्टमर आपसे बात भी नहीं कर पा रहा है उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपसे पूछ भी नहीं पा रहा है आप अपना मोबाइल में बैठे ल, बैठे हुए हो ऐसा नहीं होना चाहिए प्रॉपर जो है जैसे ही कस्टमर आए आपको अटेंटिवली उसको वेलकम करना है उसको ग्रीट करना है उसकी बातों को सुनना है उसके जो प्रोडक्ट्स उसको देखने हैं वो प्रोडक्ट्स अच्छे से दिखाने हैं उन्हें वेलकम करने एवरीथिंग मतलब अच्छा बिहेवियर होना चाहिए ये नहीं है कि कस्टमर अगर शिकायत लेकर आया तो आप उससे बात ही ना करो ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज ए सेल एसोसिएट शुड रीड ऑल अबाउट द प्रोडक्ट उसको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए लाइक like, क्वालिटी क्या है उस प्रोडक्ट की जो वो सेल कर रहा है ब्रांड uh, क्या है जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है वो कौन सी ब्रांड का है कौन सी कंपनी का है मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है इसकी इसका कलर क्या कलर के बारे में क्या जैसे कुछ कलर होते हैं जो निकल जाते हैं धोने के बाद तो उसको पूरा प्रॉपर ब्रांड का पता होना चाहिए प्राइस पता होने चाहिए उसको जैसे कि कस्टमर कोई छोटा साइज बड़ा साइज मिडिल साइज जो भी वो मांग रहा है तो उसको हर प्राइस अगर अलग अलग है तो उसको पता होना चाहिए कि सब प्राइजेस अलग अलग हैं तो वो कौन कौन से हैं डिस्काउंट है तो कौन कौन से हैं कितने पर डिस्काउंट है सब कुछ उसे बताना चाहिए यूजेस इसको यूज़ कैसे करना है हर प्रोडक्ट के यूजेस अलग अलग होते हैं जैसे ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के यूज अलग हैं क्लोथ्स uh, के यूजेस अलग होते हैं मशीनरी uh, के अलग हैं मोबाइल के यूजेस अलग हैं कंप्यूटर के अलग हैं तो सभी अब अप उसको अपने प्रोडक्ट की पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक माइक्रोवेव है माइक्रोवेव को खरीद के अगर कोई कस्टमर खरीदने जा रहा है और वो सामने सेल एसोसिएट से पूछे कि इसको यूज कैसे करते हैं इसके अंदर जो इतने सारे फंक्शन है आप बताओ इसको यूज कैसे करते हैं तो ये ना हो कि कस्टमर ये कहे कि मुझे तो इसके यूजेस पता ही वो सेल एसोसिएट ये कहे कि मुझे तो इसके यूजेस ही नहीं पता है तो क्या होगा जैसे कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो वो ये बता ही ना पाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसको प्रॉपर हर प्रोडक्ट जो भी वो बेच रहा है उसको प्रॉपर यूज करना आना चाहिए गोल ओरिएंटेड होना चाहिए द रिटेलर्स सेट गोल एंड देन यूज स्ट्रेटजीज टू अटेन देम मतलब पहले उसको क्या करना है अपने गोल निश्चित करना है मतलब उसको कितनी सेल करनी है उसको पर वीक कितनी सेल करनी है उसको पर मंथ कितनी सेल करनी है एंड पर डे कितनी सेल करनी है और इस सीजन में कितनी सेल करनी है पर ईयर उसका क्या टारगेट है ये सब टारगेट उसको पता होने चाहिए और वो स्टेप बाय स्टेप टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि क्या जो मैंने गोल डिसाइड किए हैं या जो गोल मुझे मिले हैं क्या मैं उनको पूरा कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं तो फोकस करो कि कैसे पूरा करना है और अगर कर पा रहे हो उससे भी बेटर कर पा रहे हो तो ये और अच्छी बात है और ध्यान रखो कि क्या आपने ऐसा किया जो आप अपने गोल से भी ज्यादा सेल कर पाए हो तो उसको फिर फॉलो करना है सो so, ये सब उसको ध्यान में रखना होता है रेजिलेंस होना चाहिए रेजिलेंस का मतलब होता है लचीलापन लचीलापन इन द सेंस की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ए सेल एसोसिएट शुड लर्न टू थिंक क्लियरली उसके माइंड में ना कुछ ऐसे कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए जैसे कि लेडीज uh, ड्रेसेस अगर वो सेल कर रहा है या जेंट्स ड्रेसेस सेल कर रहा है तो उसके माइंड में Uh, कुछ कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए कि ये ट्रेंड है या नहीं है कुछ कस्टमर पूछ रहा है तो वो सोचने बैठ जाए कि या किसी और से पूछने लग जाए तो उसका क्लियर होना चाहिए माइंड कि मुझे क्या बोलना है कैसे बोलना है अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है ये पूरी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए मेक डिसीजन क्विकली उसको अपने जो डिसीजन है वो जल्दी से लेने चाहिए जैसे कि एक लेडी उसकी शॉप पर आए और वो उससे कुछ एडवाइस मांगे कि ये प्रोडक्ट मुझ पर कैसा लग रहा है या जो भी है तो उसको जल्दी से डिसीजन देना चाहिए ये नहीं है कि वो सोचने बैठ जाए कि हाँ ये कैसे होगा मैं आपको फिर बताऊंगा बाद में जैसे कि कोई प्रोडक्ट का यूज है जैसे मशीनरी है है उसका कोई यूज तो वो वो सोचने बैठ जाए कि हाँ, कस्टमर कि कस्टमर पूछे इसका यूज कैसे होगा और वो उसको बता ही ना पाए और वो कहे कि मैं बाद में बताता हूँ या किसी से पूछ कर बताता हूँ तो ये भी अच्छा मैसेज नहीं जाता तो उसको अपने डिसीजन जल्दी लेने चाहिए और जल्दी से आंसर भी देना चाहिए ठीक है जैसे कुछ सेल uh, में या शेल्फ में चेंजेस करने हैं तो वो कंफ्यूज रहे कि करने पर अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए अपने फोकस को लेकर अपने गोल को लेकर कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं बेस्ट कर पाऊँ नॉट टेक थिंग्स टू पर्सनली देखो रिटेल स्टोर के अंदर जो उसको जो सेल एसोसिएट है उसके पास सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो डिफरेंट मूड में आते हैं डिफरेंट उनकी डिमांड होती है डिफरेंट एटमोसफेयर क्रिएट करते हैं तो उसे कुछ भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए ये नहीं है कि कस्टमर आया और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला और वो आकर आपसे बहुत बदतमीजी से बात कर गया और आप सोचो कि ये तो मुझे, मेरी इंसल्ट कर गया है और मुझे उससे बदला लेना है या मैं इसको आगे से एंटरटेन ही नहीं करूँगा या ये मेरी शॉप पर दोबारा नहीं आना चाहिए या मैं इसको आने ही नहीं दूंगा तो इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है आपको किसी भी काम को पर्सनली नहीं लेना है कुछ भी टेंशन वाला काम आपको नहीं लेना है टेंशन uh, नहीं लेनी है कूल cool रहना है एंड प्रोडक्ट्स uh, को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचकर या स्टोर की डेकोरेशन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचकर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए thank you for watching my video please like share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon and if you think any doubt you can write in comment and uh, for more videos please subscribe my channel and communication and all these videos i have made you can go in my playlist and find thank you